बोनजोर, वेलकम बैक टू इंडिया टू फ्रांस। अब जब कि हम यहाँ पे फ्रांस में लैंड हो चुके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें करनी होती है कि बैंक अकाउंट खोलना। तो यही चीज़ मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी कि कैसे हमने किया, क्या क्या प्रोसेस थे और कुछ अच्छे और बुरे चीज़ें जो मेरे साथ हुए, सारे आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। यूजुअली हम लोग ऐसे ही ट्रैवल करते हैं इंटर सिटीज पूरे, क्योंकि हमने मेट्रो कार्ड नहीं ले रखा है। सो यहाँ पे टेम्परेचर समर्स में अभी फिलहाल 30 डिग्री सेल्सियस है, 30, and it's very hot. See, look how sunny it is. फिलहाल मैं जा रही हूँ एक बाजार, सारा बाजार या इंडियन बाजार जो भी आप कह लो, जहाँ पे सारे इंडियन फूड मिलते हैं। मैं वो भी दिखाऊंगी कि क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे जिसे एक बार आने के बाद। एंड वन मोर अपडेट, द वेदर राइट नाउ इज 30 डिग्री सेल्सियस, इट्स वेरी हॉट। लुक, सो हॉट। एंड मैं यहाँ जाने वाली हूँ। अच्छा, कद्दू और ये बैंगन, काफी सारी चीजें। सारे फरसान, ओ भाई लॉटरी, पानी पूरी। पोहा तो नहीं मिला जो हमें यहाँ पे खरीदना था, तो हम जा रहे दूसरी स्टोर जो सेम ऐसे ही आइटम्स बेचते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि कैसे मैंने पहले ये बैंक अकाउंट खोला था। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी आप फॉलो कर लो। फर्स्ट, जब आप यहाँ पे आते हो, अपना रेंटल एग्रीमेंट सॉर्ट आउट कर लो। उसके साथ आपको लगेगा सिम कार्ड यहाँ का लोकल, उसके बाद ही आप जाके एक बैंक अकाउंट खोल सकते हो। सो ये तीन चीज़ें हो गए, ठीक है। अगर आपको देखना है कि कौन सा सिम खरीदना है, तो मैंने उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं लिंक कर दूंगी यहाँ पे। एंड ये भी रेंटल एग्रीमेंट कौन सा लेना है, ऐसे कुछ डाउट्स है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा कुछ भी एजुकेशनल वीडियोज आपको देखनी है, पूरा लिस्ट मैं एंड पे यहाँ पे लिंक कर दूंगी, देख लीजिए आप। पहली बात, इंडिया से अगर मैं ये बैंक अकाउंट क्रिएशन कंपेयर करूँगी तो थोड़ा डिफरेंस है। मैं बता दूं कि फर्स्ट वन, यूजुअली जैसे होता है बैंक अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना है तो बैंक वाले ही आपके पास आते हैं, या तो घर आके कभी क्रिएट करके देते हैं, या ऑनलाइन हो सकता है, या फिर अगर आप काम कर रहे हो तो खुद आपके कंपनी उनको ऑर्गेनाइजेशन बुला के बनवा देता है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता, आपको इंडिविजुअली जाना पड़ता है टू दैट बैंक ब्रांच, एंड सारे प्रोसेसेस आपको वहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। सेकेंड, QR, UPI, ईजी पेमेंट पोर्टल कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो सिर्फ आपका एक ऐप मिलेगा आपको, वहाँ से आप सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या फिर आपको आपका डेबिट कार्ड मिलेगा यहाँ, वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, सारे जो भी वाईफाई, आपके इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स जो भी होते हैं, सिम कार्ड के आपके मंथली सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स और जो भी चीज़ें ऐसे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे होता है, ये आप अपने बैंक अकाउंट से अटैच कर दोगे। तो क्या होता है, हर महीना खुद वो जो भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वो वहाँ से डिडक्ट कर देते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप कंट्रोल में हो, अगर आपको ये महीना लेना है नहीं लेना है आप डिसाइड कर सकते, नो। ये इसको बोलते हैं एंकैशमेंट, एंगेजमेंट इन राइट टर्म एक्चुअली, लेकिन वो ऐसे स्पेल करते हैं यहाँ पे, तो वो डायरेक्ट हो जाता है आपके बैंक अकाउंट। मैंने यहाँ पे बैंक सेलेक्ट किया है BNP Paribas, ऑब्वियसली क्योंकि मेरे TBS जो कॉलेज है वहाँ से बहुत ही नज़दीक था,
आप दूसरे भी देख सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो। तो इसमें दो टाइप्स ऑफ कार्स आपको मिल सकते हैं, प्लैटिनम एंड गोल्ड। ये एज अ स्टूडेंट आपको ये फ्री में मिल जाएगा। कैसा होता है ना, सिर्फ प्लैटिनम में यू गेट बेटर ऑप्शंस, बट कैसा होता है, इन केस यू लूज दैट कार्ड, तो वो कार्ड कोई भी अगर यूज करके यू नो दे कैन गेट ऑल द अमाउंट डिडक्टेड। तो लिमिट ज़्यादा होता है प्लैटिनम में, तो यू चूज आपके नीड के हिसाब से कौन सा बेटर रहेगा। मेरे पास गोल्ड है, राहुल के पास प्लैटिनम है, दोनों फ्री है, तो बेसिकली इट्स अप टू यू। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे आप सामान खरीद सकते हो, इंडियन ग्रॉसरीज। अगर ये चीज़ें यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो दूसरे एक कोई इंडियन स्टोर में आपको मिल ही जाना है। ये हमें पोहे मिल गए और कोकोनट भी मिल गया, तो कल बनेगा डोसा। हाय राहुल। हाय। कुड यू एक्सप्लेन कि क्या प्रोसेस था ये बैंक अकाउंट ओपन करने का यहाँ पे? राइट, प्रोसेस सिंपल है, 3-4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो पहला, सबसे पहला आता है आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट, इनको शेयर करना है। दूसरा आता है आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड, उसके बाद आता है आपका पासपोर्ट, और नेक्स्ट आता है सिम कार्ड, आपका मोबाइल नंबर जो लोकल है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद वो आपको एप्लीकेशन के लिए एक कोड शेयर करेंगे। उसके बाद आपका मोबाइल एप्लीकेशन, जो भी आपका बैंक होगा वो मोबाइल एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट करने के लिए कोड भेजेंगे, वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद वो आपको एक डेबिट कार्ड भेजेंगे जो आपने चूज़ किया है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लासिक और प्रीमियम, वो अपने आप चूज़ कर सकते हो। अगर क्लासिक लोगे तो बिगर ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, अगर प्रीमियम लिया तो बड़ा ट्रांजेक्शन कर पाओगे। एंड जब आप कार्ड चूज़ करते हो डेबिट कार्ड, तो वो आपको बाई पोस्ट पहले कार्ड भेजेंगे। और दूसरा चीज़ ये कि कार्ड के साथ कोड नहीं आता जैसे इंडिया में था, यहाँ पे अलग प्रोसेस है। तो कार्ड जब भेजेंगे उसके 5 या 6 दिन बाद वो आपको एक कोड भेजेंगे, जो जिस कोड को आपको अपने मोबाइल नंबर जो आपका लोकल है उससे एक पर्टिकुलर नंबर पे 38655 इस पे शेयर करना है। जो आप शेयर कोड वाया पोस्ट आएगा, राइट? वाया पोस्ट एक विद अल्फाबेट्स एंड नंबर्स ऐसा एक कोड आएगा, वो आपको 38655 पे शेयर करना है। तो आप जैसे शेयर करोगे, वो BNP से रिलेटेड नंबर है, तो आपको आपका 4-डिजिट कोड शेयर करेगा, एंड वो 4-डिजिट कोड आपको बैंक में जाके एक्टिवेट करना है, आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। So, फिर से हमें ब्रांच जाना पड़ेगा ना ये सब प्रोसेस के बाद? Yes. तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, एंड उसके बाद स्ट्रेट अवे आप एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो और आपका डेबिट कार्ड भी। सो दिस इज द प्रोसेस। अब बात करते हैं अकाउंट मैनेज करने की। तो जब आपको अगर इंडिया में पैसे भेजने हैं, और यहाँ पे कैसा है कि स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे आप इंडिया को पैसा भेज सकते हो फ्री, तो आपको कोई ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे नहीं लगता है। बट इन केस अगर आपको इंडिया से कोई कुछ पैसा रिसीव करना है आपके बैंक में, तो यहाँ पे आपको 10 यूरोस पर ट्रांजैक्शन फीस लगता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको पैसा चाहिए तो यहाँ पे 1000 यूरोस विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको बैंक देती है, बट एज अ स्टूडेंट। सो ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली जब हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमें कुछ पैसे लगेंगे कुछ चीज़ें सेटअप करने में घर पे, तो उस चीज़ के लिए ये लोग 1000 यूरो तक हमें लोन देते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। सो हमें ये वापस पे करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर विदाउट एनी इंटरेस्ट। सो दैट्स वन बेनिफिट ऑफ हैविंग ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट हियर। और तीसरी चीज पे आते हैं कि यहाँ पे आप बैंक अकाउंट जो है जीरो भी मेंटेन कर सकते हो, तो उस पे भी टेंशन नहीं, एज अ स्टूडेंट वो एक आपको बेनिफिट है। बट आपको जीरो के नीचे नहीं जाना है, मतलब नेगेटिव नहीं जाना है। इन केस आपका अगर बैलेंस नेगेटिव में जाता है, तो जो भी ट्रांजेक्शन नेगेटिव के बाद आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उस पे आपको 8 यूरोस चार्ज लगाएंगे। हर बार आप जब कोई ट्रांजेक्शन करोगे जब नेगेटिव में है, तो 8 यूरोस पर ट्रांजेक्शन लगता है। सच में काफी गर्मी है, बहुत गर्मी है लिटरली। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें। फर्स्ट,
यहाँ पे सिबिल स्कोर करके ऐसे कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आपके अगर आप जब आपको जॉब मिल जाता है और अगर आपको लोन चाहिए तो ये लोग आपके सैलरी जितना होता है उसके बेसिस पे लोन देते हैं। तो कुछ सिविल स्कोर ऐसे कुछ है नहीं यहाँ पे। दूसरा चीज़ है कि आप एक अच्छा वाला सिम कार्ड पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैंने लाइका का सिम लिया था और मुझे वो एक्टिवेशन कोड जो राहुल बात कर रहा है वो कोड नहीं मिला पाई, नंबर पे कोई मैसेज भी नहीं आ रहा था। तो मेरा पूरा एक महीना डेढ़ महीना डिले हो गया बैंक अकाउंट क्रिएट करने में डायरेक्ट। एंड आप 50 से 80 यूरो तक आपको फर्स्ट 3 महीने में आपको पैसा क्रेडिट करेंगे ये बैंक वाले, क्योंकि आपने उनके यहाँ एक अकाउंट खोला है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपको वापस कुछ देना नहीं होता, ये आपके यूज़ के लिए होता है। सो ये फर्स्ट 3 महीने में आपको मिल जाएगा। और नोट डाउन करके रखिए आपका RIB रिब नंबर, और ये आप सब जो भी ट्रांजैक्शन करने होते हैं वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, जैसे कि आपका सिम कार्ड लेना हो, सब्सक्रिप्शन या EDF, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका हाउस इंश्योरेंस, सिविल लायबिलिटी एंड आपका बाइक इंश्योरेंस। जब आप यहाँ पे आते हो आपका हाउस इंश्योरेंस आपको वैसे भी लेना पड़ता है, एंड सिविल लायबिलिटी इज समथिंग जब आप रास्ते पे जा रहे हो, किसी को ठोक दिया या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपका लैपटॉप जो आपने लिया था किसी और का लैपटॉप पे आप अगर आप कुछ उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो एक्सीडेंटली, तो ये सारी चीज़ें सिविल लायबिलिटी में कवर होता है। एंड लास्टली आपका ई बाइक, जैसे आपने हमारे जैसे कोई बाइक लिया है या बाइसिकल लिया है तो उसके ऊपर भी आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अंडर 26 हो एज पे तो 5 यूरोज में कवर हो जाता है, क्योंकि हम अबाउट 26 है तो हमें 16 यूरोज ऐसे कुछ चार्ज होता है हर महीना। लास्टली जब आप अपने घर पे सेट हो जाते हो आपका मेल बॉक्स आप ध्यान रखिए, बिकॉज उसके ऊपर आपकी नेम प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब पोस्टमैन आता है तो कभी कभी मिस हो जाता है। सो कोड्स और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको रिसीव करने के लिए, अदरवाइज प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है। तो यू मेक श्योर आपका मेल बॉक्स प्रॉपरली नेम्ड है एंड सिक्योर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, एंड प्लीज सब्सक्राइब करो यार, इतने सारे लोग आप वीडियोस देख रहे हो, मैं देख रही हूँ आप सारे इनसाइट्स में बता रहे कि काफी लोग सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। एंड सेकंड चीज, मेरे प्रीवियस वीडियो जो हिंदी में था आपने बहुत सारा प्यार दिखा है, आई होप मेरी हिंदी ठीक है, बेहतर होगी आगे जाते सारे वीडियोस में, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।